हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल की सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, उसे आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझते हैं कि टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने रखे गए और कितने आर्टिकल्स से कितने आर्टिकल्स तक रखे गए। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे, जो कि हमारे संविधान के द्वारा हम इंडियन सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को भी जो दिए गए, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 है। बट बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो हमारे 14 से लेकर आपको आर्टिकल 32 तक देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे भी इसको और कंसोलिडेट किया गया है, जिससे कि हम लोग बेटर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, जो कि पूरी तरीके से आपको आर्टिकल 14 से 18 तक देखने को मिलेगा। देन कम टू द राइट टू फ्रीडम है, जो कि यहाँ पे आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें दो आर्टिकल है, जो कि आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 है। फिर यहाँ पे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 25 से 28 है। एंड देन यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 है। एंड फाइनली यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत है। सो दीज आर द 6 राइट्स जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को पूरा करता है। तो इसे हम लोग 1 by 1 देखने वाले हैं, बट स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 के साथ। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, EFERR। तो ये आपका 6 यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से आप लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को याद कर सकते हैं। अब याद करने का बहुत आसान तरीका है, ये आपका हर अल्टरनेट में ई है। तो पहले आप देखो, इक्वालिटी की बात करो, इक्वालिटी होगा तो उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा इट मीन्स कि लोग अच्छे तरीके से शिक्षित हो पा रहे, एजुकेशनल उनको अच्छा मिल पा रहा है। इट मीन्स कि फर्स्ट ई में आपका इक्वालिटी होगा, सेकंड ई में एक्सप्लॉयटेशन होगा, एंड थर्ड ई में एजुकेशनल होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद आपका एफ है, इट मीन्स कि फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम लोग, इक्वालिटी है तो इट मीन्स कि उसके बाद अगर सबको इक्वल मिलेगा तो सब ईजी तरीके से, इक्वल तरीके से फ्रीडम फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, और सब कोई जो है अपने तरीके से अपने फ्रीडम के साथ, वो अपने रिलीजन का उनको अधिकार भी है कि वो कोई भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखो कि सबको एजुकेशन मिल चुका है, इसलिए इस तरीके की थिंकिंग इस्टेब्लिश हो गई है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है कि अगर किसी भी तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हनन होता है, वायलेट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास 5 तरीके के रिट्स को इशू की जाती है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम लोग एक एक करके आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 12 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।